नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने अतीक मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराधियों का सफाया हो रहा है, दो गए लेकिन तीन नए आ गए। ब्लैक कमांडो जिस तरह गोली नहीं चला सकते, वो तीनों उससे ज्यादा अच्छे से गोली चला रहे थे। साथ ही लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से सपा की बड़ी जीत पर राजभर ने कहा है कि सपा और भाजपा का दोनों अंदरूनी समझौता है, तुम यहाँ जीतो हम वहाँ जीतते हैं। साथ ही उन्होंने सपा और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जीतने के लिए वो दोनों समझौता कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव चल रहा है, उसी में प्रत्याशी हमारे राजकुमारी कश्यप जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, इनके चुनाव प्रचार में हम इधर आए। किसके साथ है? जैसे कि आप अभी हमेशा कहते रहिए कि जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में आप रहे सम्मान नहीं मिला, आपने छोड़ दी। समाजवादी पार्टी में आए सम्मान नहीं मिला, छोड़ दी। क्या ओम प्रकाश राजभर को अभी तक सम्मान नहीं मिला? जो अपने सम्मान की लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा दो तरह की क्यों? वहीं बहराइच के फुटहा कॉलोनी निवासी एक ऑटो चालक ने खुदकुशी का प्रयास करते हुए अपना गला काट लिया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां युवक की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। बता दें कि युवक ऑटो चलाने के साथ साथ प्रिंटर का काम करता है। आसिफ ने पड़ोसी के घर पर घटना को अंजाम दिया। पड़ोसी के सूचना पर पहुंचे परिवार के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एक पेशेंट आसिफ नाम का लड़का आया हुआ है, 20-22 साल का है, और उसके गले पे अपर पार्ट में कटी हुई कार्टिलेज सीन है, तो ईएनटी सर्जन को बुला के दिखा दिया गया है। बाकी उसको पेशेंट को रिफर कर दिया गया लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए फर्दर रिवॉल्यूशन। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री चंपावत के टनकपुर पहुंची, जहां स्थानीय कार्यकर्ता और आम जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री रेखा आर्या ने टनकपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचकर वहां आयोजित जिला योजना की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। विकास कार्यों के मध्य में जो है अनुमोदित की गई, और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से जहाँ पर कमिटेड एक्सपेंडिचर को पूर्ण किया जाएगा, उसके साथ साथ में स्वरोजगार होगी और साथ साथ में विभिन्न विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे सड़क के परिप्रेक्ष्य में हो, नहर के परिप्रेक्ष्य में हो, जो भी, चाहे भेषज के परिप्रेक्ष्य में हो, जो भी व्यवहारिक प्रस्ताव हैं वो आज सभी अनुमोदित कर दिए गए हैं। लगभग बजट 26% बढ़कर जो है जनपद चंपावत को प्राप्त हुआ है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमने अप्रैल में ही बजट का आवंटन से लेकर अनुमोदन तक आज हो गया है। एक मई से प्रदेश भर में समस्त सस्ता गल विक्रेता द्वारा की जाने वाली हड़ताल को लेकर समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सस्ता गल विक्रेताओं ने प्रतिमंडल के द्वारा संपूर्ण राज्य में खाद्यान्न वितरण कार्य का बहिष्कार किए जाने की जानकारी भी दी है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए फेडरेशन के काशीपुर की इकाई के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है कि कोरोना काल में बांटे गए 7 महीने के राशन का लाभ अभी तक नहीं मिला है। इसमें हमारा कोरोना काल का 7 माह का लाभांश और जनवरी से जो फ्री राशन बट रहा है उसका कमीशन, जिसकी कोई रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। आज जो है राशन विक्रेता जो है भुखमरी कगार पे आ चुका है। इसने पूरे प्रदेश में 1 मई से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। सर, आज एसडीएम सर साहब मिले, क्या वार्ता हुई आपकी? एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा कि टेबल टॉक की बात करी उन्होंने, कि जो भी मुद्दे होते हैं वो वार्ता के जरिए ही सही होते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रदेश संगठन की वार्ता जो थी
श्री रेखा आर्य खाद्य मंत्री द्वारा हुई थी और जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान निकलने की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चार धाम यात्रा को शुरू हुए महज 5 ही दिन हुए हैं, लेकिन अब तक 8 श्रद्धालु यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। जहां एक तरफ लगातार मॉक ड्रिल्स का आयोजन कर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को पूरा बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 7 लोगों की जान हार्ट अटैक की वजह से गई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत पहाड़ी से नीचे गिरने से हुई है। महज 5 दिनों में ही 8 यात्रियों की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के अनुसार विभाग ने चार धाम को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। हेल्थ एटीएम कई जगहों पर लगाए गए हैं, जिनसे यात्री कई मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से चार धाम में आ रहे यात्रियों से ये अपील भी की जा रही है कि सभी मेडिकल टेस्ट करवाने और पूरी तरह स्वस्थ पाए जाने के बाद चार धाम यात्रा शुरू करें। देखिए, इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे समस्त चार धाम यात्रा रूट में हमने 50 हेल्थ एटीएम्स लगाए हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे मेडिकल रिलीफ पोस्ट हैं चारों धामों में, जैसे केदारनाथ में 10 है, गंगोत्री में 1 है, यमुनोत्री में 3 है और बद्रीनाथ जी में 3 है, तो इन सभी जगहों पे हमारे पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं और ये डिवाइस 28 किस्म के टेस्ट करता है, जैसे टेम्परेचर, पल्स, बीपी, ईसीजी इत्यादि। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों पर चंदन राम दास को श्रद्धांजलि देते हुए शोक सभा आयोजित किया। वहीं मुख्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत तमाम विधायक और पदाधिकारियों ने चंदन राम दास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ बिताए गए समय को याद करते हुए उनके द्वारा जो काम समाज के लिए किए गए हैं और जो जनता के लिए किए गए हैं उनको सराहा गया। कि चंदन राम दास जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे और जो विभाग उनको दो दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्रगतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। कल मैं बागेश्वर में भी था और जिस प्रकार का जन स्नेह उनके प्रति वहाँ की जनता ने दिखाया अपने आप में बहुत अभूतपूर्व था। वहीं झांसी में कई दिनों से शांत बैठे चोरों ने एक बार फिर पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है, जिसमें चोरों ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के घर पर निशाना बनाते हुए बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक मऊ रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला मऊ देहात में रहने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी प्रदीप कुमार सोनी के घर पर चोरों ने निशाना बनाया है, जिसमें चोरों ने घर में रखा लैपटॉप, नगद रुपए और अन्य चोरी सामान कर लिए हैं। मामले की जानकारी आसपास रहने वाले लोगों ने प्रदीप कुमार को दी, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे प्रदीप कुमार ने मामले की सूचना पुलिस को अवगत करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पे करीब रात में जो पड़ोसियों ने बताया कि रात में चोरी हुई है और सुबह मेरे पास फ़ोन आया 8 बजे, 7:30-8 के बीच फ़ोन आया, तो फिर मैं इसके बाद आया, मैंने 112 नंबर बुलाया, रोगा जी है वो जांच कर रहे हैं। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान में एक लैपटॉप है और 200 ग्राम चांदी है, 6-7 तोला सोना था, 50,000 रुपया कैश है, कपड़े ले रहे हैं। मसूरी में चल रहे मॉल रोड के सौंदर्यकरण को लेकर आज जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मॉल रोड पर चल रहे कामों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी को मॉल रोड में चल रहे कामों में भारी कमियां दिखीं।
जिसमें जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। नहीं, जो ये वाला एरिया तो इन्होंने ब्लैक टॉप कर दिया है, फिर यहाँ से जो झूला घर से आगे का जो एरिया है, अपर मॉल रोड इन्होंने ब्लैक टॉप कर दी है, लोअर मॉल रोड और फिर वहाँ से जो पिक्चर पैलेस तक का रास्ता है अभी उसमें काम चल रहा है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अप्रैल एंड तक ही इस पूरे काम को कम्प्लीट कर दें, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो भी, लेकिन कम्प्लीट करने की पूरी वो है। यही मैंने कहा कि हम तो कोशिश करेंगे कि हम 30 तारीख तक, अभी भी हमारे पास 3 दिन है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 3 दिनों में काम पूरा कर लें, प्रोवाइडेड बरसात या कोई इस तरह का इशू ना आए। वो जिस एरिया में खड़ा किया था वो बिल्कुल सेफ नहीं था और इसी वजह से वो नीचे की तरफ, बेसिकली जो बताया जा रहा है कि उन्होंने थोड़ा टर्न लिया और वो नीचे की तरफ चला गया क्योंकि वो एरिया सेफ नहीं था। तो PWD को भी इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ भी इस तरह के एरियाज हैं जहाँ पे इनको या तो बिलबोर्ड या तो बोर्ड्स लगा दें या फिर बैरिकेड्स लगा लें जिससे कि वहाँ पे यातायात ना जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेटर विराट कोहली साथ ही उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा लखनऊ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 1 मई को लखनऊ और बेंगलुरु का मैच होने वाला है जो कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कासगंज के ओढ़ूपुर में दबंगों ने तब हमला बोल दिया जब उस घर में कोई पुरुष व्यक्ति नहीं था। इसका फायदा उठाकर दबंगों ने पहले परिवार की महिलाओं पर ताबड़तोड़ ईंट पत्थर प्लॉट की दीवार गिरा दी। इस घटना में एक पक्ष से 3 महिलाएं घायल हुई हैं जबकि दूसरे पक्ष से 1 महिला घायल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर, हम लोग सुबह सुबह चाय पी रहे थे, तो ये आज संजू राजपूत का लड़का आया, अमित राजपूत, और क्या कहते हैं, ये एक लड़का और संजू यादव आया, और उन्होंने दोनों ने ना मेरी ननद की इज्जत पर हाथ डाला। जब हम लोगों ने हटाया तो हम लोगों के ऊपर भी उनसे लाठियाँ बरसा रहे हैं, कई मतलब गुम्मा बरसा रहे हैं, ईंट तोड़ तोड़ के हमारी दीवार पर गिरा दी उन्होंने। जब हम लोगों ने रोका तो फिर मारने के लिए आ गए सब, और फिर आ गए, और क्या कहते हैं, आदमी भी आ गए, कम से कम 50-60 लोग थे। वहीं झांसी के वार्ड नंबर 52 में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों और समर्थकों में जमकर मारपीट हो गई। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर नमाज के दौरान लाठी डंडे से हमला करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रत्याशी के पति अल्ताफ ने बताया है कि आज वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, इस दौरान उनके समर्थकों ने नमाज में आने वाले लोगों को पैम्पलेट बांट दिए। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। सूचना पर भाजपा नेता संतोष सोनी, अंकुर दीक्षित कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने उनके साथ नोकझोंक की, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में धरना शुरू कर दिया। वहीं सिद्धार्थगंज सिडकुल रोड में नालियों के पीछे दुकान लगाकर रोजगार करने वाले व्यापारियों को प्रशासन ने हटा दिया, जिसके बाद प्रभावित व्यापारी SDM के पास पहुंचे और उन्होंने SDM से वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं होने तक पहले जैसे नालियों के पीछे दुकान लगाने की मांग की। कोतवाली के सामने नाली के पीछे जो दुकानदार, छोटे दुकानदार फड़कों का लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे थे, उनको कल प्रशासन द्वारा हटा दिया गया। इसको लेकर आज हमने SDM महोदय से गुहार लगाई कि जब तक वेंडिंग जोन का निर्माण नहीं हो रहा है तब तक इन लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए। जिस प्रकार सभी लोग अपनी फड़कों का लगाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, करीब 35-40 वर्षों से जो लोग अपना फड़कों का लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए, इसको लेकर आज हमने SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा और माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को भी इस मामले में अवगत कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने जालौन का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने BJP कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव में BJP प्रत्याशी को भारी जीत दिलाने के मंत्र बताए। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जालौन की नगर पालिका प्रत्याशी नेहा मित्तल के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे,
जहां उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होनी चाहिए। इसके लिए सभी कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएं और प्रत्याशी को हर हाल में जीत दिलाएं। जालौन नगर पालिका की सीट है, उस पर अधिकतर प्रत्याशी नेहा जी है, उनके समर्थन में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज कार्यकर्ता के बीच बैठ के भारतीय जनता पार्टी को रीत नीति सिद्धांत सबके बारे में हम लोगों ने बात करते हुए और टोलियाँ बना के हर मोहल्ले में जाके समर्थन में नेहा जी के समर्थन में टोलियाँ जा रही हैं और यहाँ जो भी 24 तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।